अगर आपका एक स्कूल है और आप अपने स्कूल को ग्रो करना चाहते हैं और दूसरे स्कूल से अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करना चाहते हैं और अलग यूनिक दिखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताई हैं जिसको फॉलो करके आप अलग दिख सकते हैं। तो सबसे टॉप में आते हैं आपके वीडियोज़, मतलब कि वीडियोज़ की फॉर्म में आपके रिव्यूज़ हो सकते हैं गूगल मैप बिजनेस पे, और आपके टेस्टिमोनियल वीडियोज़ की फॉर्म में हो सकते हैं। तो रिव्यूज़ हो सकते हैं आपके गूगल मैप बिजनेस पर, और रिव्यू टेक्स्ट फॉर्म की जगह पे आपके टेस्टिमोनियल्स भी हो सकते हैं वीडियो फॉर्म में, जहाँ पर फेसबुक यूट्यूब और इवन गूगल मैप बिजनेस पर भी और आपके यूट्यूब पर भी जो है वो टेस्टिमोनियल जा सकते हैं। और आपकी फैकल्टी का जो टीचिंग जो होता है स्टडी किस तरह से वो पढ़ाते हैं, टीचिंग स्किल्स भी हो सकती हैं। आप अपने स्कूल के स्टडी जो इन्वायरमेंट है उसको शेयर कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भेज सकते हैं, ड्रोन शूट की जो वीडियोज़ हैं आप उनको बना सकते हैं, इवन एक आप जो है वर्चुअल टूर रेडी कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा सर्च करे तो आपके पूरे स्कूल को उस वर्चुअल टूर में देख सके, वो यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं आप, फेसबुक इंस्टाग्राम पर, इवन आप एक पूरा वर्चुअल टूर जो है वो गूगल मैप बिजनेस पर भी बना सकते हैं ताकि कोई भी बंदा आपके लगभग जो है बिजनेस को और अपने स्कूल को पूरा समझ सके किस तरह से आप अपने स्कूल को जो है ऑपरेट करते हैं। और आप अपने ब्रांड की रेपुटेशन भी दिखा सकते हैं कि हमारे ब्रांड की रेपुटेशन ये है कि हमारा स्कूल यहाँ पे स्टैंड करता है। साथ में यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रेप जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रेप क्लास में उसकी स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो अपने से रिलेट कर सकें। तो आप अपने कॉलेज का ड्रोन शूट करा सकते हैं जिसमें आपका जो है एक वर्चुअल टूर पूरा रेडी हो सकता है। आप अपनी फैकल्टी जो है उनकी टीचिंग स्किल्स दिखा सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी को शूट कर सकते हैं, या फिर आपके पास लैब्स हैं उनको, या फिर आपके स्टूडेंट जो एक्टिविटी करते हैं जैसे कि कोई गेम्स है या शतरंज है, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उनको आप शूट करके जो है अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। अचीवमेंट्स भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर मान के चलिए आपके कुछ अचीवमेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, कोई भी स्टूडेंट आपका जो है उसने कुछ अचीव किया तो उसको दिखा सकते हैं, अपने मार्क्स के जो है पिछले साल के प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो है उनके जो माँ बाप हैं उनको अच्छा लगे कि स्कूल के रिजल्ट भी अच्छे हैं और रिजल्ट और जो स्कूल है वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर उनको वीडियो फॉर्म में जो है वो दे सकते हैं। अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप जो है कुछ इस तरह के कॉन्टेस्ट बना सकते हैं जैसे कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट। आप एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करिए, वहाँ पे विनर जो होगा उसको 5,000 रुपीज़ दे सकते हैं और जो बाकी बच्चे जो हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे आप उनके लिए सर्टिफिकेट रेडी कर सकते हैं। तो इससे आपके आसपास और सिटी लेवल पर और दूसरे स्कूलों में भी एक अवेयरनेस होगी कि वो इस तरह की चीज़ें करा रहे हैं जिससे कि पेरेंट्स भी इम्प्रेस हो सकते हैं और इवन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने से आपकी काफ़ी अवेयरनेस भी हो जाएगी। और साथ में आप साइंस एग्जीबिशंस भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी काफ़ी अवेयरनेस होगी और आप जो है क्विज जो होते हैं वो क्विज वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपका जो है अवेयरनेस होती है, तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं। साथ में आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी जैसे कि योगा हो गया, हारमोनियम हो गया, और भी जो आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है प्लान पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने इस प्लान के जो है PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं DigiFlock से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।